ये सुअर जितना चाहे कीचड़ में लोट लोट कर चिल्लाए, बट ना मैं इन्हें इनको भाव दूंगा ना पब्लिसिटी। के आर के भैया एक बार फिर से भड़क पड़े हैं दोस्तों, और इस बार उन्होंने ये किसके लिए किया है भाई, ये तो हमें जानना जरूरी बनता है। आ गया है होस्ट एंड दोस्त राहुल भोज, और स्वागत है आपका फीफा फूज में। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। अरे फेसबुक ट्विटर इंस्टा पे कब से हूं मैं यार, तो मुझे फॉलो कीजिए। चलिए अब बात करते हैं दोस्तों केआर के वर्सेस सलमान भाई की। हमें पता है ये पूरा मुद्दा मैंने आपको समझाया है पिछले हफ्ते से ही, मैं क्लियर कर रहा हूं अपनी हर एक वीडियो में इस बारे में, जो जो पॉइंट्स आ रहे हैं मैं हमेशा आपको बता रहा हूं, आई होप सो आप नोटिस कर रहे होंगे। अब बात करते हैं दोस्तों कि आज के दिन ही अली गोनी ने कुछ बातें बोली थी कि उतना ही हगा करो जितना कि साफ किया जा सके, और इस नल्ले को किसने समथिंग, ये कितना बोल रहा है ये नल्ला अपनी औकात से ज्यादा, कुछ समथिंग कुछ ऐसा बोला था। ठीक है, अब दोस्तों ये जो कमेंट है ये सोचने पे हमें मजबूर करता है, ये किसकी बात कर रहे हैं, ये सुअर जितना चाहे कीचड़ में लोट लोट कर चिल्लाए, बट मैं ना इसको भाव दूंगा ना पब्लिसिटी, ये किसके लिए? क्या मीका बाजी के लिए है जिन्होंने ये तक कह दिया था हैशटैग केआर के कुत्ता या हैशटैग बार्किंग डॉग ये गाना बना रहे हैं वो, ये किसके लिए है, ये सबसे बड़ा सवाल है। आपको क्या लगता है दोस्तों इसके बारे में, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। क्या ये केआर के भैया किसे सुअर कह रहे हैं, इसमें मुझे तो समझ में नहीं आता। खैर आपको क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताएं। बने रहिए चैनल के साथ, देखते रहिए फीफा फूज, और खबरें लेकर आता हूं।